मेरे हाथ में जो आपको इस वक्त चिट्ठी नजर आ रही है, ये कोई आम चिट्ठी नहीं है, ये एक सरकारी चिट्ठी है। और इस चिट्ठी को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है। एक सरकारी सर्कुलर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार की तरफ से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस चिट्ठी में जो मैं बार बार इस चिट्ठी पर इतना जोर दे रही हूँ। तो ये देखिए, स्क्रीन पर आपको एक चिट्ठी साफ दिख रही होगी। इस चिट्ठी के पॉइंट नंबर 2 पर गौर करिए, जहां पर हिंदू पंचांग का जिक्र किया गया है। अब सवाल है कि पुलिस की चिट्ठी में हिंदू पंचांग का जिक्र क्यों? बस यही पॉइंट है जिसकी वजह से यूपी पुलिस ट्रोल होने लगी है, क्योंकि आमतौर पर मांगलिक या फिर शुभ कार्यों के लिए पंचांग का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पंचांग के अनुसार काम करेगी, जिसके लिए बकायदा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इस सरकारी सर्कुलर में उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि रात के अंधेरे में होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के थाना प्रभारी हिंदू पंचांग की अमावस्या तिथि से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद विशेष सतर्कता रखें। इस दौरान हुई घटनाओं की क्राइम मैपिंग कराई जाए। इतना ही नहीं, डीजीपी साहब ने अपने सर्कुलर के साथ हिंदू पंचांग की कॉपी भी अफसरों को भेजती है, ताकि उन्हें यह पता लग जाए कि अमावस्या कब पड़ रही है और कब ज्यादा अपराध होंगे। इस चिट्ठी में और क्या लिखा गया है ये भी आपको बताते हैं। प्रत्येक महीना में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को चिन्हित किया जाए। अमावस्या तिथि से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद रात में होने वाले अपराध और डायल 112 से सूचनाओं का मिलान कर क्राइम मैपिंग कराई जाए और ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाए जहां अमावस्या की तारीख के आसपास अपराध हुआ है। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में क्राइम मैपिंग के अनुसार हॉटस्पॉट चिन्हित कर गश्त करें। इतना ही नहीं, डीजीपी विजय कुमार के 3 पेज के सर्कुलर के साथ अगस्त महीने का हिंदू पंचांग भी शेयर किया गया है, ताकि अफसरों को पता रहे कि अगस्त महीने में 16 तारीख जबकि सितंबर और अक्टूबर की 14 तारीख को अमावस्या पड़ेगी। पंचांग भेजने के पीछे ये उद्देश्य है कि पुलिस अधिकारी पहले से अपने काम की प्लानिंग कर सके। अब डीजीपी की इस चिट्ठी के बाद लोग सोशल मीडिया पर मजे लेने लगे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये खबर सुनकर शॉक्ड हैं, तो कुछ लोग खूब मजे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदू पंचांग का उपयोग शादी, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यक्रमों की तारीख तय करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराध को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने का फैसला कर लिया है, जो कि काफी शॉकिंग है। डीजीपी साहब के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि पंचांग के हिसाब से अपना काम की प्लानिंग करना क्या अपराध पर अंकुश लगाएगा।